नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हैं बाल भारती विद्यालय नौगछिया गौशाला रोड। आज जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक कितना सुंदर एक किड्स का देख सकते हैं, यहाँ बच्चों के लिए बनाया गया एक अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और यहाँ पर एक बच्ची से बात करवाते हैं जो कि बहुत बोला जाए तो आज सुबह से ही इनका जो सुबह सुबह देखे योग व्यायाम, इससे काफ़ी प्रभावित हैं हम। क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, तो श्रेया पापा का क्या नाम है? डॉक्टर मनोज कुमार। और दादाजी का? दादाजी का प्रोफेसर विजय कुमार। कहाँ से आई हो और यहाँ पर तुम्हारे दादाजी का घर है, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं स्टैंडर्ड फोर। स्टैंडर्ड फोर स्कूल का क्या नाम है? लोयोला स्कूल बिष्टुपुर। कहाँ पर है ये? टाटा नगर में। तो आज जो सुबह सुबह तुम आई और इतना सारा योग व्यायाम सुबह सुबह की, क्या लोगों को प्रेरित, अब क्या कहना चाहती हो अपने दोस्तों को जो तुम देख रहे हैं इस वीडियो को, सुबह सुबह योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए हमेशा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आज जो छुट्टी बिताने के लिए आई हो, कितना दिन से छुट्टी बिता रही हो? अभी चार दिन पहले। कैसा लग रहा है तुम्हारा, चूँकि तुम्हारे पापा का ये घर हुआ यहाँ नौगछिया, तो कैसा लगता है और लोगों से मिल करके? मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर। तो और क्या कहना चाहती हो, यहाँ की जो बाल भारती स्कूल आती हो, यहाँ के जो गार्डन है, इस तरह का अनोखा गार्डन जैसे पार्वती वाटिका में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जो पौधे हैं, क्या कहना चाहती हो? उस पौधे को देख करके कैसा लगता है, इस तरह का जो तुम स्कूल में देखती हो प्लांटेशन या इस तरह से खूबसूरत वादियाँ, क्या कहना चाहोगी? ये सारा प्लान बहुत अच्छा है। इसे ऐसा क्या लगता है, तुम जब घुसती हो इस वाटिका में तो कैसा फील होता है कि हम खास? अच्छा जैसा लगता है। क्या लगता है कि हम कुछ खास जगह पर आए हैं? हाँ। अब तुम्हें गर्व होता है कि नहीं कि इस नौगछिया में इतना अच्छा विद्यालय है बाल भारती? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो क्या कहोगे अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को जो कि आज की तुम इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारा जो ये दादाजी का घर है यहाँ पर, तो कैसे एडजस्ट करती हो वहाँ पर और यहाँ पर, कैसे लगता है कि नहीं कि हाँ कभी कभी आना चाहिए हमें? लगता है कि कभी कभी आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का ज़्यादा लोड होगा। चलिए, तो बहुत बहुत सुन रहे थे। और तुमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ना? मेरे को ज़्यादा इंग्लिश अच्छा लगता है। चलिए, मैं यहाँ पर अच्छा लगता है ना, मतलब घूमने में अच्छा लगता है? हाँ। चलिए, अब हम मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप कहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा हल्का जीवनी बताएं, और ये बच्ची जो सुबह से योग पढ़ने, आप कहीं ना कहीं तो ये माहौल पर डिपेंड करता है, क्या कहेंगे आप? जोहार, नमस्कार। मैं जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मैं पोस्टेड हूँ, और ये मेरा पैतृक घर है जहाँ मेरे पिताजी नौगछिया जीवी कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैं यहीं पला बढ़ा, यहीं से मैंने 10th 12th किया नौगछिया हाई स्कूल से, और जीवी कॉलेज नौगछिया से पढ़ा हूँ। एक छोटे से जगह से पढ़ के मैं जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि स्काई इज़ अनलिमिटेड, और जब मैं बाहर निकला तो इस बात के लिए मैं चाहूँगा सभी को कि कोई इस बात से लेकर ना घबराएं कि वो छोटे से जगह हैं से आ रहे हैं, वो छोटे से जगह में सब कुछ है। आज यहाँ वो सभी वो माटी याद पड़ता है, इस कारण से वो खींच चली आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ हमारे सारे दोस्त, सारे हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे अंकल्स हैं, सभी से प्रेरणा मिलती है आगे जीवन में कैसा जीना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अभी युवाओं को कि घबराएं नहीं, अपने प्रयासरत में रहें, चाहे वो छोटे से जगह से हो या बड़े जगह से हो, वो अगर प्रयास करते रहेंगे निश्चित रूप से एक दिन वो शिखर पे जाएंगे। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, एसोसिएट प्रोफेसर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जीवी कॉलेज नौगछिया में था, और मैं 2005 में ही रिटायर कर गया, और मैं यहाँ मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ। यहाँ जो है मैं बहुत दिनों से रह रहा हूँ, और बच्चे सब यहीं बड़े हुए, पढ़े लिखे। कितने बच्चे हैं सर आपको? लड़के, एक बच्ची है सबसे बड़ी जो देवघर में रहती है, और चार लड़के हैं,
जो सबसे बड़ा तो दिल्ली में है, उसके बाद सेकंड जो है यहाँ रुंगटा गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर है, वो है मैथ का। क्या नाम है? विनोद कुमार हैं, MSc फिजिक्स है। और तीसरा जो है वो अहमदाबाद में है, वो भी MSc जूलॉजी है, और वो जापान की कंपनी है मेडिसिन की उसका, उसी में जो है वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। और चौथा जो ये जो है मैं चौथा यही हमारा लड़का मनोज कुमार प्रोफेसर यहाँ टाटा में है, जमशेदपुर में है। वो इस प्रकार तो कहीं ना कहीं सर आपको ये लगता होगा कि कोई ना कोई आपके साथ, अभी जैसे रुंगटा गर्ल्स स्कूल में एक बेटे हैं, या कभी वैसा कोई फंक्शन होता होगा, सभी लोग एक जगह होते होंगे, तो खास एक आनंद आता होगा, लगता होगा कि नहीं हमारे जो चारों स्तंभ कहा जाता है किसी चीज़ का स्तंभ, तो निश्चित बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोग को अब क्या चाहिए? आपको ईश्वर ने पैसा दिया ही है सब कुछ, बच्चे जो एक पिता का इच्छा होता है कि बच्चे हमारे कहीं ना कहीं कोई जगह पोस्ट पर चले जाते हैं या कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो आपको अब लगता है कि नहीं हमको जो आज प्रेरणा स्रोत हैं आप, जो सुबह सुबह आकर यहाँ योग प्राणायाम व्यायाम जो भी होता है करके लोगों को जागरूक भी करते हैं, साथ साथ आज आपकी पोती भी आई हुई है, तो कैसा लगता है सर जब सब पोते और पोतियाँ जुड़ते हैं, तो कैसा लगता है ये आनंद? बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो है मैंने बारी बारी से घूमता रहता हूँ, यहाँ गया 6 महीना 1 साल भर रह जाता हूँ मैं, और जैसे मैं अभी अहमदाबाद से आ रहा हूँ 1 साल 1 महीना वहाँ मैं रहा, और फिर जो है कभी बेटी के यहाँ चले जाते हैं देवघर, कभी जमशेदपुर, इस तरह से जो है हमारा दिल्ली मैंने चलता रहता है, राउंड चलता रहता है। मैं मुंगेर में जब था, मुंगेर में मैं रहा, बढ़ा पढ़ा, और वहाँ जो है योग विश्वविद्यालय था। जी जी। तो योग विश्वविद्यालय में जब स्कूल एज में ही मैं वहाँ से जो है एक इंग्लिश चलता था एक फॉरनर के लिए 15 दिन का टूर ये ट्रेनिंग, और एक इंडियन के लिए, तो उसमें मैं 15 दिन का ट्रेनिंग लिया, और तब से मैं योग करते आ रहा हूँ डेली। और बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि तुम डेली योग करो, योग जो है मैंने शरीर के लिए बहुत जरूरी जरूरी है, चूँकि आजकल का खान पान भी कुछ दूसरे तरह। मैं आज तक करता आ रहा हूँ, मैंने मॉर्निंग वॉक करने के बाद जाने के बाद जो है 1 घंटा मैं जरूर योग करूँगा, उसके बाद ही जो है कुछ ग्रहण। ये क्या अगर मान लिया आप अहमदाबाद जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो क्या ये रूटीन में एकदम रूटीन हमारा ही बना हुआ रहता है? बना हुआ रहता है। अच्छा, अहमदाबाद जाए चाहे दिल्ली जाए, दिल्ली या कहीं पर भी अपने अलग अलग जगह। अच्छा, ये सर आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा, चूँकि आप लगातार सेवा में रहें, और आपसे एक खास जानकारी होगा, आजकल अक्सर जो आप जितना खुश अपने को महसूस कर रहे हैं, एक पिता कई बेटे को पाल कर बड़ा करते हैं, और कई अक्सर क्या देखा जाता है कि जब बच्चे उस लायक खड़े हो जाते हैं तो पिता को छोड़ देते हैं, वैसे बहुत ऐसे लोग वृद्ध आश्रम में बहुत ऐसे हैं, वैसे बेटा को क्या कहेंगे जो आज वृद्ध आश्रम तक, वैसे पिता जो वृद्ध आश्रम तक पहुंच गए हैं सब कुछ रहते हुए, क्या कहेंगे वैसे वो तो बच्चे के लिए? वो तो जो है बहुत गलत काम करता है। बच्चे को जो है आप जो शुरू से जो ट्रेनिंग देंगे तो आपका जो है वही काम जो है वो करेगा, तो बच्चा जो है को हम जो है शुरू से वही कहे कि तुम जो है मैंने पढ़ो लिखो, उसकी वाइफ भी जो है सब पढ़ी लिखी है, सब MSc है, और सब जो है मैंने बच्चे को भी उसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि मदर फादर का जो है वो केयर करे, सम्मान करे और उसका जो है रिगार्ड करे हाँ। कि आने वाले समय में बच्चे भी उनका वह भी जो है फिर बूढ़े हो गए हाँ। तो तुम्हारा भी जो है वो बच्चा जो है वो रिगार्ड करेगा, उसी तरह से सम्मान करेगा। चलिए, तो उससे साबित ये होता है कि हर बेटे को अपने पिता का अक्सर सम्मान करना चाहिए, क्यों ना आज चूंकि आप पेंशनधारी हैं, लेकिन जो पेंशन में नहीं रखता, अक्सर गांव समाज में देखा जाता है जिनके पास पैसा है उनका सम्मान होता है, नहीं है तो वैसे पिता का सम्मान नहीं होता है। तो आज का ये जो समय है उसके लिए हम बोल रहे हैं, तो वैसे बच्चे को क्या कहेंगे? वैसे बच्चे को तो पिता का वैसे बच्चे को तो नालायक कहेंगे, कहे कि वो भी फिर आगे बड़ा होगा तो फिर उसका जो है जो देख अनुसरण करेगा उसका बच्चा जो है तो उसको भी फिर वहाँ भेजेगा। जैसे मैंने एक अभी सीरियल में देखा था कि बच्ची मदर उसकी जो है मर रही थी एकदम से, वहाँ थी कहाँ मैंने
वो वृद्धाश्रम में थी और वो कही कि जो है बेटा तुम चले आओ यहाँ एक एसी लगा दो, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, फ्रिज लगा दे दो क्योंकि खाना जो है हम लोग को बासी मिलता है तो ख़राब ही लगता है। तो वो कहा कि बेटा माँ कही कि जो है तुम मर रही हो तो फिर जो है ये सब लगा के क्या होगा। कहा नहीं, एक दिन तुम भी जो है इसी तरह से तुम्हारे बच्चे आ करके यहाँ छोड़ जाएंगे जैसे तुम हमको छोड़ गए, तो जो है उसको तो तुमको भी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो कितना बड़ा प्रेरणा मिला उसको कि नहीं उस सीरियल से। हाँ, उस सीरियल से मतलब सीरियल से और माँ बच्चों को या और परिवार को कितना मैंने मिला कि जो है इस तरह का कार्य ना करे। तो धन्यवाद, क्या नाम बताया अपना? प्रोफेसर विजय कुमार। तो दोस्तों सुन रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार सर से, जो कि नौगछिया के रहने वाले हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं बट नौगछिया में रह गए। तो इनका स्टेटमेंट सुने, आज के समय में अक्सर बच्चों को और पिता को समान तुल से एक दोस्त के तरह व्यवहार होना चाहिए ताकि ये प्रक्रिया हमेशा लगा। मैं धन्यवाद, मैं मुकेश कुमार आजाद, स्काउट जिला प्रशिक्षक, भागलपुर।